नैनीताल हाईकोर्ट में आज कांग्रेस के नौ बागी विधायकों की याचिका पर सुनवाई होगी। बागी विधायकों ने विधानसभा स्पीकर गोविंद सिंह कुंजवाल के अयोग्य उन्हें करने के फैसले को चुनौती दी है। दरअसल 27 मार्च को विधानसभा स्पीकर ने दल बदल कानून के तहत नौ विधायकों को अयोग्य घोषित किया था, जिसके बाद बागी विधायकों ने दो अलग अलग याचिकाएं दायर कर फैसले को चुनौती दी थी। हाईकोर्ट की सिंगल बेंच में वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल स्पीकर की तरफ से दलीलें पेश करेंगे, तो वहीं बागी विधायकों की तरफ से दिनेश द्विवेदी और दूसरे वकीलों का पैनल अपनी दलील देगा। सोनू के पास चलते हैं, देहरादून से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। सोनू, क्या होगा आज? देखिए निहारिका, आज ये उम्मीद की जा रही है कि जो कांग्रेस के नौ बागी विधायक हैं उनको जो अयोग्य घोषित किया गया था स्पीकर के द्वारा 27 मार्च को, निश्चित तौर पर आज उसमें कोई निर्णय आ सकता है, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। और खास तौर से वो नौ बागी विधायक टकटकी लगाए देख रहे हैं। इसके अलावा जो तमाम रणनीतिकार हैं, राजनेता हैं, वो सबके सब ये उम्मीद कर रहे हैं कि आज फैसला जो है वो नौ बागी विधायकों के पक्ष में आ सकता है, इस तरह की उम्मीद की जा रही है। लेकिन ये देखना होगा कि कोर्ट का जो फैसला है उसको सभी को सुधार्य करना है। ऐसे में कोर्ट का क्या फैसला होगा, क्योंकि कई दौर की जो सुनवाई है वो इस मामले में हो चुकी है और जो एक पक्ष के अधिवक्ता हैं कपिल सिब्बल वो अपने तक प्रस्तुत कर चुके हैं। अब सिर्फ कोर्ट के फैसले का इंतजार है, क्योंकि कई डेट इसमें लग चुकी है, आज ये उम्मीद की जा रही है। दूसरा पहलू ये है कि जैसे ही फ्लो टेस्ट की सुप्रीम कोर्ट ने तिथि नियत कर दी है, उसके बाद से लगातार जो है वो हॉर्स ट्रेडिंग का जो दौर है वो बढ़ता हुआ सा नजर आ रहा है। यदि हम ताज़ा हालात की बात करें निहारिका, तो इस वक्त कांग्रेस के जो विधायक हैं वो ज़्यादातर यहाँ नहीं है, बल्कि एक सेफ जोन में है, एक अलग जगह पर हैं और सुरक्षा के मद्देनज़र पार्टी हाईकमान के दिशा निर्देश पे वो गए हैं और वहाँ पर उनसे कोई संपर्क भी किसी तरीके का नहीं किया जा रहा है। यानी कोई खरीद फरोख्त ना हो सके, इसलिए कांग्रेस के जितने विधायक हैं उनके साथ पहले पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने एक बैठक की और उसके बाद फिर उनको एक सेफ जोन में भेज दिया गया, क्योंकि ये बात बार बार आ रही थी कि भाई सहयोगी दल जो बीएसपी है और जो कुछ कांग्रेस के वो लोग नाराज हैं वो संभवतः साथ नहीं दे सकते। एक रोज पहले की जब बैठक हुई थी उसमें करीब 10 से 11 ऐसे सदस्य थे, विधानसभा के विधायक थे, जो इस बैठक में शामिल नहीं हुए। तो कहीं ना कहीं सियासी उठापटक लगातार निहारिका अभी भी बनी हुई है। अब देखना होगा कि मंगलवार को क्या स्थिति सामने आती है, कौन किसके पक्ष में मतदान करता है, दूसरा आज क्या फैसला आता है। धन्यवाद सोनू अपडेट देने के लिए।